Hello everyone. In the last few lecture, we have discussed the nature of current in transmission line as well as in generator when three-phase symmetrical fault occurs. अब हम एक बहुत ही important topic देखने वाले हैं symmetrical fault analysis में, जो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है. इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा. और इसका जो बेसिक है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टॉपिक. सो एंड दैट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट MVA. आज हम इस पे बात करने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट MVA. ये क्या होता है और इसको हम क्यों एनालिसिस करते हैं, राइट? तो शॉर्ट सर्किट MVA में जाने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे रिगार्डिंग सर्किट ब्रेकर, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना. सर्किट ब्रेकर का हम सिलेक्शन करते कैसे हैं? सर्किट ब्रेकर को आपको पता है यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. जब कहीं भी इस तरह का सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर after receiving the signal from relay, the contacts of circuit breaker starts separating, और वो healthy part और faulty part को अलग कर देता है. ये काम इसका है. तो इसका जब selection करते हैं तो कुछ हम point को ध्यान में रखते हैं. From current point of view, है ना, बेसिकली ये करंट के अकॉर्डिंग ही इसको डिजाइन किया जाता है. तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे. द फर्स्ट वन इज ये जो सर्किट ब्रेकर है वो कितना मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट विद स्टैंड कर सकता है. द फर्स्ट थिंग इज दिस वन, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करेंट विच सर्किट ब्रेकर कैन विदस्टैंड. ठीक है, इसका मतलब समझे क्या है. सपोज दिस इज योर जेनरेटर, दिस इज सर्किट ब्रेकर, बस बार, सर्किट ब्रेकर, देन ट्रांसफॉर्मर, लाइक दिस. इस तरह से सिस्टम इधर है गिवेन, है ना. तो सपोज कहीं पे फॉल्ट आता है, है ना. सपोज यहीं पे फॉल्ट आ गया, जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने एक न्यूमेरिकल, उसमें यहीं पे फॉल्ट आ गया था. ठीक है, तो फॉल्ट आने के बाद दिस इज योर सर्किट ब्रेकर, दिस इज योर जनरेटर, और इधर भी है सिस्टम लगा हुआ है, मोटर जनरेटर है ना कनेक्टेड है. तो जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट आने के बाद करंट कैसा होता है वो हमने देखा था. तो अब ये आपको समझना है कि जब करंट फ्लो करेगा फॉल्ट आने के बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि सर्किट ब्रेकर जैसे ही करंट फॉल्ट आया और करंट का वैल्यू बढ़ा वो ऑपरेट कर जाएगा, ऐसा तो है नहीं. कुछ टाइम लगता है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने में. उतने देर तक ये सर्किट ब्रेकर इस फॉल्ट करंट को अपने में कैरी करता रहेगा, समझ गए, है ना. अगर आई जी फॉल्ट है, यहां पे आई फॉल्ट है, इधर से भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, आई एफ नॉट सपोज, तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सर्किट ब्रेकर इस फॉल्ट करंट को कुछ देर तक अपने में सस्टेन करके रखता है, उतने
विथस्टैंड कर सकता है उस करंट के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि उतना करंट फॉल्ट आने के बाद अगर उससे फ्लो हो रहा है तो वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो उसके डिजाइन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड है, जो सेकंड पॉइंट है जो सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि टोटल करंट विच सर्किट ब्रेकर हैज टू इंटरप्ट, और यू कैन से करंट विच सर्किट ब्रेकर हैज टू इंटरप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स फॉर दिस करेंट द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर स्टार्ट्स सेपरेटिंग, ठीक है। इतना करंट अगर उसमें जाएगा उस सर्किट ब्रेकर में, है ना, कितने करंट जा रहा है जिसके रिगार्डिंग वो अपना कॉन्टैक्ट्स को अलग करना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं इंटरप्ट करना, करंट को इंटरप्ट करना। बेसिकली इसका पर्पस यही है, करंट को इंटरप्ट करना, रप्चर करना। जो करंट फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है सर्किट ब्रेकर में, तो उस करंट के लिए वो सर्किट ब्रेकर अपना कॉन्टैक्ट्स को अलग करता है ना। एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट को अलग करता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो इतना करंट विथ वो फ्लो से होगा, कितना करंट जिससे कि वो सर्किट ब्रेकर अपना कॉन्टैक्ट्स को अलग करेगा। तो ये दो तरह का करंट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस कुछ लेक्चर में पढ़ा था कि करंट का नेचर बेसिकली कैसा होता है। हम उस करंट को देखिए, यहां पे अगर हम देखें, ये जो करंट हमारे पास है, चलिए इस करंट को हम देखते हैं कैसा है करंट। ये है बेसिकली आपका करंट जो आपने प्रीवियस कुछ लेक्चर में पढ़ा था आपने, है ना, करंट कि फॉल्ट जब होता है तो किस तरह का करंट फ्लो होता है, किस नेचर का। तो देखिए, जब हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट अगर आ रहा है ना, तब इस तरह का था। और ये था कि अगर जनरेटर टर्मिनल पे फॉल्ट आ रहा है तो वो इस तरह का करंट था, ठीक है। तो इसमें तो हमने देख लिया था, जब ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट एनालिसिस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सीरीज आरएल सर्किट एंड कांस्टेंट एसी सोर्स, तो देखा था हमने कि करंट में दो तरह का करंट होता है, एक सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट एंड सेकेंड वन इज ट्रांजियंट करंट, दिस इज योर ट्रांजियंट करंट, और ये दोनों का सम होता है आपका टोटल करंट। उसका नेचर देखिए इस तरह का होता है, स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ डीसी ऑफसेट करंट, करंट का वैल्यू थोड़ी देर के लिए लार्ज होता है करंट का वैल्यू। तो ये करंट का वैल्यू अप टू सम पॉइंट कितना होगा वो आपने कैलकुलेट कर रखा था इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट, ठीक है। जब हम जनरेटर टर्मिनल फॉल्ट देख रहे थे तो उसमें हमने सिर्फ सिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज किया था, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट को एनालाइज किया था, लेकिन वहां पर डीसी ऑफसेट करंट भी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये करंट प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी करंट होगा, उसको हमने उस समय इग्नोर किया था। तो अब देखिए, थोड़ी देर के लिए जब तक ये सब ट्रांजिएंट पीरियड रहता है इसमें, उस समय करंट का वैल्यू देखिए कितना है, इतना तो है ही, प्लस डीसी पार्ट ऑफ डीसी ऑफसेट करंट, ये दोनों सम होकर और आपको टोटल करंट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना, स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट कितना करंट होगा, सब ट्रांजिएंट करंट का कुछ पार्ट,
है ना, और डीसी करंट का कुछ पार्ट, डीसी मींस ट्रांजिएंट करंट है, डीसी ऑफसेट करंट, ये दोनों मिलाकर जो करंट आएगा उतना करंट फ्लो करेगा आपके सर्किट ब्रेकर से, समझ गए। तो यहां पे हमने उस समय बताया था कि सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं और डीसी कंपोनेंट को इंक्लूड करने के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर आयल सर्किट ब्रेकर विथ वोल्टेज लेवल ग्रेटर देन 5 किलो वोल्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने बताया, ये डिपेंड्स मतलब अब मैं बता रहा हूं यहां पे, ये जो आपका पॉइंट वन था है ना, चलिए इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं पहले, ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है ना, बेसिकली ये क्या है, कितना मैक्सिमम करंट विथस्टैंड कर सकता है ये सर्किट ब्रेकर, वो कौन सा वैल्यू होगा, वो देखिए कौन सा वैल्यू होगा। जैसे सपोज ये फॉल्ट आया है ना, ये है अकरेंस ऑफ फॉल्ट एट सपोज टी इक्वल टू जीरो पे, यहां पे फॉल्ट हो रहा है, तो फॉल्ट होने के जस्ट बाद थोड़ी देर तक है ना, जितना देर तक सर्किट ब्रेकर रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा उतना देर तक इसको हम लोग कहते हैं सब डिले टाइम, है ना, ये डिले टाइम है सपोज यहां से यहां तक, ठीक है, डिले टाइम है, यहां पे फॉल्ट हुआ है इस पॉइंट पे और इतना टाइम इस सर्किट ब्रेकर को लगा है रिस्पॉन्स करने में जो डिले टाइम कहलाएगा, तो इतना देर तक तो सर्किट ब्रेकर में करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग जहां पे फॉल्ट होता है वहां के बाद कौन सा करंट फ्लो होता है उसमें, ये आपने देखा था यहां पे वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट है ना फॉर सम साइकिल, है ना, वेरी फ्यू साइकिल, सब ट्रांजिएंट करंट प्लस डीसी ऑफसेट करंट, है ना। तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा इस टाइम पे, जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कितना होगा, सब ट्रांजिएंट करंट ऑफ सिमेट्रिकल करंट, है ना, ये सिमेट्रिकल करंट था उसका सब ट्रांजिएंट पार्ट है वो, प्लस डीसी ऑफसेट करंट, है ना, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, है ना, आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में जो आप ऐसा कहें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट कितना होगा, जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, सिमेट्रिकल करंट या शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल करंट इनटू 1.6, और ये किसके लिए होता है, फॉर आयल सर्किट ब्रेकर वोल्टेज किलो वोल्ट कितना, अबव 5 किलो वोल्ट इसके लिए, है ना। तो 1.6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम 1.6 से, तो ये टोटल करंट आ जाएगा इंक्लूडिंग, इसमें आप लिख सकते हैं इंक्लूडिंग डीसी ऑफसेट करंट,
इससे पहले हमने डीसी ऑफसेट करंट को ऑब्जर्व ही नहीं किया था, हमने उस समय बोला था कि डीसी ऑफसेट करंट को हम बाद में इंक्लूड करेंगे। तो डीसी ऑफसेट करंट को इंक्लूड करने के लिए क्या किया हमने, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर। डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये समझना है कि करंट जो होगा जितना उस सर्किट ब्रेकर को विथस्टैंड करना है उस करंट का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। और ये वैल्यू कहां पर है, आप यहां पर देख लीजिए, ये वैल्यू है यहां से यहां तक है ना, यही मेनली फ्यू साइकिल तक आपको ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें ये भी है सिमेट्रिकल वाला पार्ट प्लस डीसी वाला जो ये करंट फ्लो हो रहा है ये भी है, दोनों मिलाकर है, ठीक है। तो इतना करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग डिले टाइम जो कि विथस्टैंड करना है सर्किट ब्रेकर को, ताकि वो डैमेज ना हो जाए, वैसा बनाना है आपको सर्किट ब्रेकर को। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये है आपका सेकेंड पॉइंट, क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट, ये कह रहा है कि करंट विच सर्किट ब्रेकर हैज टू इंटरप्ट, उस करंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मींस फॉर दिस करंट द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर स्टार्ट्स सेपरेटिंग, मतलब जितना देर डिले हुआ वो तो टाइम लगा ही, अब डिले टाइम के बाद आपका सर्किट ब्रेकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। मतलब अगर हम उसी पिक्चर को देखें फिर से, तो यहां से यहां तक जो टाइम था इतना टाइम ये था डिले टाइम है ना, ये है टी इक्वल टू जीरो जहां पे फॉल्ट अकर्स, सपोज ये डिले टाइम हो गया इतना। उसके बाद यहां से आपका सर्किट ब्रेकर अपना कॉन्टेक्ट सेपरेशन स्टार्ट करेगा, कॉन्टेक्ट स्टार्ट्स सेपरेटेड, ठीक है, और इस पॉइंट पे आकर कॉन्टेक्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर सेपरेटेड, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से और यहां पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही कॉन्टेक्ट सेपरेट हो जाता है तो आर्क का फॉर्मेशन होता है, तो यहां से यहां तक फॉर्मेशन ऑफ आर्क, ठीक है, इस पॉइंट पे आर्क फॉर्मेशन होगा, और ये जो पॉइंट है यहां पे आर्क कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, और यहां पे जाकर इस पॉइंट पे फॉल्ट क्या हो गया, सॉरी फॉल्ट नहीं, ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर कंप्लीट्स, ठीक है। तो ये होता है मेनली सर्किट ब्रेकर में। तो डिले टाइम तक तो आपने देखा कि यहां से यहां तक जो डिले टाइम था वहां तक करंट सस्टेन करके रखना है सर्किट ब्रेकर को। अब डिले टाइम के बाद जब कॉन्टेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो मेन सर्किट ब्रेकर का फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो सर्किट ब्रेकर को एनालाइज करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट एमवीए, जो ये आपका आज टॉपिक है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो करंट होता है इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मोमेंटरी करंट। और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है इधर का जो करंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं
अब देखिए यहाँ मैक्सिमम तो पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेगा, है ना, तो इसको मोमेंटरी करंट ही कहिए। मैक्सिमम तो किसी एक ही पॉइंट पे होगा और वो होता है कहाँ पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे जहाँ पे फॉल्ट स्टार्ट होता है, जिस समय सब ट्रांजिएंट करंट स्टार्ट होता है फ्लो होना। और इधर जो करंट है इसको हम लोग कहेंगे इंटरप्टिंग करंट और रप्चरिंग करंट, ठीक है। तो ये होता है, तो सर्किट ब्रेकर को जो डिजाइन करते हैं यहां पे, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट MVA ये क्या होता है। ये बेसिकली है किस लिए, सर्किट ब्रेकर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट सर्किट MVA, ठीक है, या इसको कहें कि शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग रेटिंग, इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑल्सो कॉल्ड रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये कोई भी चीज कहा जा रहा है वो बिल्कुल सेम ही चीज है, चाहे तो शॉर्ट सर्किट MVA कह लें इसे, या शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग रेटिंग कह लें, या रप्चरिंग कैपेसिटी कह लें, ये सारा चीज एक ही है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट MVA होता क्या है, शॉर्ट, अब हम लोग इसका एनालिटिकल पार्ट देख लेते हैं, मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि क्या होता है, है ना। समझ तो गए आप कि डिले टाइम के बाद जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है करंट उसमें फ्लो करेगा, तो अब वहां पे करंट को इंटरप्ट करना है, कॉन्टेक्ट को ओपन करना है, तो वहां से स्टार्ट हो गया आपका सर्किट ब्रेकर का शॉर्ट सर्किट MVA रेटिंग, है ना, जिसपे वो उसको डिजाइन किया जाता है टू स्टार्ट सेपरेटिंग द कॉन्टेक्ट। तो हम शॉर्ट सर्किट MVA अगर इसे लिखें, है ना, ये है शॉर्ट सर्किट MVA, कैसा है, थ्री फेज, है ना, ये थ्री फेज शॉर्ट सर्किट MVA की बात हो रही है, इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू किलो वोल्ट, इसे कहें नॉमिनल वोल्टेज या नॉमिनल किलो वोल्ट, ठीक है, इनटू आई एफ इनटू 10^-3, तो ये MVA में हो जाएगा, है ना, किलो वोल्ट ये एम्पियर, 10^-3 तो MVA में हो गया। तो यहां पर ये जो टर्म है नॉमिनल वोल्टेज किलो वोल्ट, ये बेसिकली क्या है, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, है ना, जिस जगह पे फॉल्ट हो रहा है उस पॉइंट का प्री फॉल्ट वोल्टेज। प्री फॉल्ट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉल्ट होने से पहले, है ना, तो इसका मतलब जस्ट बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट, है ना, इसका मतलब ये भी होता है, ये दोनों एक ही चीज है। और ये क्या है आई एफ, ये है फॉल्ट करेंट, इन एम्पियर,
या इसे कहें पोस्ट फॉल्ट करंट, ये भी कह सकते हैं पोस्ट फॉल्ट करंट, मतलब जस्ट आफ्टर, या जस्ट ना भी कहें क्योंकि जस्ट का मतलब तो जिस समय डिले रहेगा है ना, जिस समय सर्किट ब्रेकर करंट विदस्टैंड करेगा वो करंट बेसिकली नहीं, आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया थ्री फेज शॉर्ट सर्किट एमवीए। अब बेस एमवीए, अगर बेस एमवीए को आपको लिखना हो थ्री फेज बेस एमवीए को, तो क्या लिखेंगे आप, रूट थ्री इंटू किलो वोल्ट बेस है ना, इंटू आई बेस इंटू 10 to the power -3 एमवीए में हो गया। ठीक है, ये कैसा वोल्टेज है हमारा, लाइन वोल्टेज है ना, किलो वोल्ट में बेस वैल्यू है, ये लाइन करंट इन एम्पियर, ये भी बेस करंट है। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट सर्किट एमवीए इन एक्चुअल यूनिट तो इतना होगा। ठीक है, लेकिन हम सारा पावर सिस्टम को किस में एनालाइज कर रहे हैं, पर यूनिट सिस्टम में, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट एमवीए को पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिखेंगे पर यूनिट शॉर्ट सर्किट एमवीए, या इसे कहें शॉर्ट सर्किट एमवीए पर यूनिट। कैसे फाइंड करेंगे पर यूनिट, शॉर्ट सर्किट का जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे बेस एमवीए से, तो मिल जाएगा हमें शॉर्ट सर्किट एमवीए पर यूनिट वैल्यू। तो जब डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा इस तरह का, ठीक है, देखिए आप डिवाइड करके, ये नॉमिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय केवी बेस वैल्यू, तो ये वोल्टेज पर यूनिट बन गया, समझ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वोल्टेज जो नॉमिनल वोल्टेज है डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज, ये वोल्टेज पर यूनिट मिल गया, फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, फॉल्ट करंट का पर यूनिट वैल्यू मिल गया, वही लिखा है हमने यहां पे। तो इसको अगर देखें तो ये क्या है, पर यूनिट प्री फॉल्ट वोल्टेज, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, जिस पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है, ये क्या है, पोस्ट फॉल्ट करंट इन पर यूनिट, समझ गए, ये एमवीए में, सॉरी ये पर यूनिट में इतना आ गया। तो आपको इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट सर्किट एमवीए पर यूनिट कितना होगा, सिंपली आपको ध्यान रखना है इन पर यूनिट वोल्टेज। अब कैसा पर यूनिट वोल्टेज है, प्री फॉल्ट, फॉल्ट के पहले, एंड आई एफ इज पोस्ट फॉल्ट करेंट। अब अगर यहां पे देखें आप बेस एमवीए में जो ये वोल्टेज है, बेस वोल्टेज और नॉमिनल वोल्टेज है ना, अगर दोनों इक्वल हो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलेगा, इफ नॉमिनल वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज इन केवी इज इक्वल टू बेस वोल्टेज इन केवी, देन शॉर्ट सर्किट एमवीए
पर यूनिट इज इक्वल टू फॉल्ट करेंट का मैग्नीट्यूड इन पर यूनिट। समझ गए? शॉर्ट सर्किट एमवीए इन पर यूनिट कितना होता है? वही होता है जो फॉल्ट करेंट इन पर यूनिट होता है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। नॉमिनल वोल्टेज इज इक्वल टू बेस वोल्टेज, तो आपको फाइनली मिल जाएगा शॉर्ट सर्किट एमवीए इन पर यूनिट। रिमेंबर इट इज पर यूनिट वैल्यू, है ना। पर यूनिट शॉर्ट सर्किट एमवीए इज इक्वल टू फॉल्ट करेंट का मैग्नीट्यूड इन पर यूनिट। ठीक है, तो ये था बेसिक्स ऑफ पर यूनिट शॉर्ट सर्किट एमवीए। और ये किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है, किसके लिए बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं? टू डिजाइन द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें शॉर्ट सर्किट एमवीए का कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।